उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों और सरकार के बीच समझौता हो गया है। दरअसल सरकार ने निजीकरण का फैसला 15 जनवरी 2021 तक टाल दिया है। तब तक हर महीने बिजली कंपनियों की परफॉर्मेंस का ऑडिट किया जाएगा। हड़ताल वापस को लेकर हुई बैठक में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संयुक्त कर्मचारी समिति के पदाधिकारी और सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की कैबिनेट उप समिति के बीच वार्ता हुई। कर्मचारियों द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की सहमति बन जाने के बाद कार्य बहिष्कार समाप्त करने का ऐलान किया गया। दोनों मंत्री और मुख्य सचिव आर के तिवारी की मौजूदगी में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व पावर कॉरपोरेशन प्रबंधक के बीच समझौता पर दस्तक किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंत्रियों के साथ आला अधिकारियों को लेकर हाई लेवल बैठक भी की गई थी। बीती देर रात तक वार्ता में भी लगभग इन्हीं मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन अरविंद कुमार के समझौते पर दस्तक करने से इनकार कर देने की वजह से टकराव बढ़ गया था। बताते चले कि वार्ता विफल हो जाने के बाद कार्य बहिष्कार का व्यापक असर नजर आने लगा था। इसके बाद राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति अस्त व्यस्त रही। इसी बीच पावर ऑफिस एसोसिएशन ने भी कार्य बहिष्कार में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जिससे हालात और बिगड़ गए। वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद के साथ अन्य सभी जिलों में बिजली का संकट गहरा गया था। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने ब्रेकडाउन की शिकायतें भी नहीं ली थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री व शासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद कैबिनेट उप समिति को संघर्ष समिति से वार्ता कर गतिरोध समाप्त करने का जिम्मा सौंपा गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।